कानम एक प्रमुख मठवासी गांव जो जिला किन्नौर में स्थित है, जिसे भगवान की भूमि व लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते चुले तशिदलेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। धार्मिक व प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण ये गांव अपने आप में अनोखा व आकर्षक है। ये गांव अपने 7 छोटे बड़े मठों के लिए विख्यात है। यहाँ के स्थानीय देवता श्री डबला शिव हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ के मठों के बारे में, दर्शन करेंगे संतंग देवता जी के मंदिर के, परिचित होंगे यहाँ की जीवन शैली से, अनुभव करेंगे क्षेत्र की सुंदरता। तो आइए मिलकर जानते हैं कानम गांव को थोड़ा और करीब से। जिला मुख्यालय रिकांगपियो से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कानम गांव। लाप्रंग गांव का पड़ोसी गांव है कानम। लाप्रंग, कानम, सपीलो और गरला, इन सभी गांवों को हुमसोगुड़ी के नाम से जाना जाता है। हुमसो में हुमसो की बोली बोली जाती है, जैसे किरंग हाली तोई, आप कैसे हैं। कानम गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां गांव बसते समय पत्थर पर क अक्षर लिखा मिला, इसीलिए इसका नाम कानम पड़ा। नम का अर्थ पुरानी शिव भाषा में गांव मालूम होता है और क का भी कोई अर्थ रहा होगा। कानम गांव मुख्यतः 5 भागों में बटा हुआ है। गांव के सबसे नीचे के भाग को तंगनिंग कानम कहा जाता है, उससे ऊपर के भाग को बोलते हैं शांखांग। ये वाला भाग कहलाता है गांगनिंग और इस भाग को कहते हैं कुंपा खाटक, और गांव के सबसे ऊपर का भाग कहलाता है गांगतिंग। कांजुर लगंग गांव से नीचे खेतों में बना है। किसने बनवाया इसका, ना कोई पत्थर यहाँ लगा है और ना ही किसी को याद। कहने वालों की बात माने तो यह सतयुग से ही यहाँ है। कांजुर की 103 और तांजुर की 225 पोथियाँ यहाँ रखी हुई है। ये पोथियाँ नरथंग मध्य तिब्बत से छपी है। दायक ने जहाँ मंदिर बनवाया, मध्य तिब्बत से छपवा कर कांजुर को तिब्बत के भीतर ही भीतर होते 3-4 मास में मंगवाया और अपना एक बड़ा खेत भी दान चढ़ा दिया। खेत की आमदनी से पुजारी और साल में एक बार 103 पोथियों के पाठ करने वाले लामाओं को भोजन दक्षिणा दी जाती है। कांगुर लगंग के भीतर 2 पिंचुंग हैं, यानी कि कठार। बाएं तरफ के पिंचुंग में कांगुर की पोथियों को रखा गया है और दाएं तरफ की पिंचुंग में तांगुर की पोथियों को रखा गया है। साल में एक बार कांगुर की पोथियों का पाठ किया जाता है। कांजुर लगंग की छत पर लुंगता बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगाए हुए हैं। लुंगता का अर्थ बोटी भाषा में होता है, लुंग का मतलब होता है हवा, टा होता है घोड़ा। इसमें जो मंत्र लिखे होते हैं वह हवा रूपी घोड़े पर चढ़कर दूर दूर तक बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो, इसलिए लगाते हैं। और कांजुर लगंग की छत के चारों ओर पान पत्थर पर बुद्धिस्ट मंत्र गड़े हुए हैं। शाम का ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला रमणीय नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। खाचे लगंग गांव के ऊपरी भाग में है, यही यहाँ का मुख्य मठ है। खाचे लगंग का अर्थ मुसलमान मंदिर व कश्मीरी मंदिर दोनों होता है। खाचे से मुसलमान नहीं कश्मीरी समझा जाता है। ये लगंग कश्मीरी कारीगरों द्वारा बनवाए जाने के कारण ही खाचे लगंग कहलाया गया, ना कि मुसलमानों द्वारा। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो इस इलाके पर ना कभी मुसलमानों ने चढ़ाई की, ना यहाँ उनका शासन सीधे तौर से रहा और ना वे कभी यहाँ आकर बसे। ये जो कानम का मंदिर जो है पुराना, जैसा कि लोसावार इंजीन साहब को बोलते ना रतन बहादुर लोसावार, सबसे पहले वाले वैसा अवतार में से तो
छिटवा वाले हैं, हाँ जी, उनके आगे पांच वाले भारत में पैदा हुआ, उसके बाद ये रतन बद्रा जो यहाँ पर हमारे से किनों से ऊपर तिब्बत बॉर्डर में पैदा हुआ है, उन्होंने जो कुल मिला के तिब्बत और किन्नौर में 108 जो मंदिर जो बनाया है, उसमें से उनका शुभ यहाँ पर भेजने का उनका सबसे पहले जो मंदिर जो कानम में थे। यहाँ पर जो अब सन तो एग्जैक्ट तो नहीं है, अब ये बना के रिपेयर बना कम से कम 150 साल गया है। उससे डोमो के शेरी मुझे बोलते पहले हमारे मनस्ट्री टशिलुमो में पढ़ते थे, तिब्बती लामा थे, वैसे ही लामा थे, औतारिक नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ पर पढ़ते पढ़ते बाद में उनका डिग्री तो पूरा नहीं किया कजिन का, फिर वहाँ से उन क्या हो गया पता नहीं, वहाँ से भाग के कहीं गाँव में डोमो में गए हैं। डोमो में जाके उन्होंने तपस्या किया, उनका ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर कानम से जो कचिन मेरा मित्र होगा ना, फिर उनको यहाँ पर लाया, वो काफी वो ज्ञानी हो गया। फिर उनको यहाँ पर लाते समय उन्होंने फिर उनके साथ काफी लामा लोग आए होंगे, वो बनाने वाले होंगे ना कुछ मंदिर बनाने वाले ऐसे वैसे, उनके साथ काफी आदमी एक काफी साल रह गए, उन्होंने यहाँ पर रिपेयर किया है। अच्छा। फिर गाँव की तरफ से वो करके फिर वो डिजाइन मेरा थोड़ा टिबेटिन थे उन्होंने बनाया, कम से कम 150 साल गया है ये बना के रिपेयर बना के। पूर्व खचे लगंग का निर्माण लोत्सावा रिंगचिन संगपो रतन बहादुर द्वारा किया गया था, ये लगंग पुनर्निर्मित टोमोगेशे ने किया। मंदिर अवश्य 7-8 सदियों से पहले बना था, किंतु आज जो विहार खड़ा है वह केवल उस पुराने विहार पर खड़ा है, यहाँ कोई पुरानी चीज नहीं है। बौद्ध धर्म में 4 संप्रदाय हैं, निंगमा, दुगपा, शाक्या और ग्यालुग। कानम गांव में ग्यालुग संप्रदाय है। ग्यालुग तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे नया और वर्तमान में सबसे प्रमुख संप्रदाय है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये है सोंगकापा की। ग्यालुग संप्रदाय की स्थापना सोंगकापा एक दार्शनिक और तिब्बती धार्मिक नेता द्वारा की गई थी। ग्यालुगपा 16वीं शताब्दी के अंत से तिब्बत और मंगोलिया में पूर्व प्रतिष्ठित बौद्ध स्कूलों के रूप में उभरा है। वर्तमान में ग्यालुग संप्रदाय के सुप्रीमो परम पावन परम पूजनीय दलाई लामा जी हैं। अलेक्जेंडर सोमा टिकोरिस एक हंगरी यात्री तथा भाषाविद थे, जिनको तिब्बती भाषा के ज्ञान को यूरोप में लाने वाला पहला व्यक्ति कहा जाता है। अलेक्जेंडर सोमा डिकोरिस सन 1827 से 1830 तक गांव कानम में रहकर कांग्यूर और तांग्यूर का भाषाविद किया। वे खचे लगंग में रहते थे। वे रोज सुबह कांग्यूर लगंग जाते थे और शाम को खचे लगंग लौटते। कांग्यूर और तांग्यूर के भाषाविद करने में अलेक्जेंडर सोमा डिकोरिस की अहम भूमिका रही है। कानम गांव के कांगथिंग में है ये चुमो लगंग। तो आइए जानते हैं इस चुमो लगंग के बारे में। ये मंदिर का निर्माण नरी पोनमो आर्गम एक नाथ ने बनाया। ये मूर्ति सब पुराना ही है, मूर्ति सब पुराना है, वे वॉल पेंटिंग नया बनाया है। इस मंदिर में 4 मंजिल है। हाँ जी, लगभग 15-20 कमरा है इसमें, नीचे से लेकर यहाँ ऊपर तक। अच्छा। इसमें 30-35 नन रहते हैं। अभी मुझ 6-7 है केवल, बाकी कोई धर्मशाला में है, लद्दाख में है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कानम की जो जुमो लोग हैं। कानम के। अच्छा, बाहर के नहीं आते? बाहर के यहाँ हॉस्टल नहीं है, इसलिए बाहर से नहीं आते है। अच्छा। मंदिर में हॉस्टल नहीं है, जो हम लोग अपना अपना कमरा में बैठ के खाना खाते हैं, फिर पूजा के समय में सब यहाँ इकट्ठा होके करते हैं। जो पहले जो है खंड के रूप में है पुराना, अभी जो है मूर्ति नया लाया है। हाँ जी, हाँ जी। ये किसकी मूर्ति? उसमें जो है पालन नामो बोलते हैं, हिंदी में काली देवी। अच्छा। हाँ, जो पेरादारों में से सबसे प्रसिद्ध है, जो रक्षा भी करते, जो मनोकामना पूरा करते है। लोक संपादे का मुख्य लामा तुंगापा, यहाँ जो खाइडू है, यहाँ ग्यालसा है, जो मुखिया दो चेला है, यहाँ अवलोकितेश्वरा है। हाँ जी। 1000 आंग 1000 हाथ है। यहाँ कन्नूर है, कन्नूर
कंजूरपति। ये है लोसा रिम्पोछे का लगंग। तो आइए करते हैं लोसा रिम्पोछे के लगंग के दर्शन। मैत्रेय बुद्ध, जिन्हें चंपा मिमे के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय बुद्ध भविष्य के बुद्ध हैं। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतारित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर वर्तमान बुद्ध, जिन्हें शाक्यमुनि भी कहा जाता है, उनका प्रतीक समूल नष्ट हो जाएगा और धरती पर लोग धर्म को विस्मृत कर चुके होंगे, तब मैत्रेय बुद्ध का आगमन होगा। इसलिए मैत्रेय बुद्ध को अपकमिंग बुद्धा भी कहा जाता है। गेलुग संप्रदाय के मुखिया सोंगखापा की इस मूर्ति के पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि मूर्ति सपीलों में नदी के किनारे दिखी। लोगों द्वारा मूर्ति से पूछा गया, आप किस गांव में जाएंगे? लोगों ने लाभरंग सपीलों का नाम लिया तो ये मूर्ति जमीन के भीतर जाने लगी, और जब कानम गांव का नाम लिया तो मूर्ति जमीन से बाहर आ गई। और सोंगखापा की इस मूर्ति को सपीलों से लाकर यहाँ लोसा लगंग में स्थापित किया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ के धार्मिक स्थलों की स्थिति की, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। कांग्यो लगंग का रेनोवेशन सन 1820 के बाद नहीं हुआ है। लगंग के अंदर की दीवारें उखड़नी शुरू हो गई है। सरकार को ज़रूरत है कि वे हमारे धार्मिक स्थलों की ओर ध्यान दें, गांव वालों को उचित सरकारी सहायता प्रदान करें, ताकि हम हमारी धार्मिक धरोहर को संरक्षित व संजोए रख सकें। जंगसो थंकानम थ जागाली तुग्योश थ जागाली मालोम होम्यो संगे सुजागा। इस लोकगीत में कानम गांव का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। कानम में 7 छोटे बड़े मठ व जगह जगह पे छोक्सिन स्तूपा है। सही कहा गया है कानम गांव के बारे में, संगे सुजागा, भगवान की भूमि। ये है कानम गांव का संतंग, देवता जी का मंदिर। कानम के देवता श्री डाबला शू हैं। डाबला, जिसे शू भाषा में डबलस भी कहते हैं, का शब्दार्थ है भिक्षु गुरु। डाबला धर्म के देवता छोसला धर्मपाल हैं। डाबला शू की असीम कृपा गांव कानम पर है। कानम गांव के मठों, संतंग और यहां की सुंदरता के दर्शन तो हो लिए। तो आइए यहाँ की संस्कृति और सर्दियों की दिनचर्या का भी अनुभव लिया जाए। Bye.
किसी ने सच ही कहा है, भारत का दिल तो यहाँ के गांव में बसता है। और हो भी क्यों ना, सर्दियों के धूप के संग सभी यहाँ काम को मिलजुल कर करते हैं। यहाँ पे संपानमा ऊन काटना, रिमोथुतमा गुट्टी उठाना, फिट शीमा थकरा तामा बुनना किया जा रहा है। लोक गीतों के संग सभी काम का आनंद ले रहे हैं। क्यों है ना लाजवाब, मिलजुल कर काम करने में खुशी और आनंद दोनों है। जहाँ शहरों में लोगों के पास अपने लिए भी वक्त नहीं रहता, उसके विपरीत गांव में तो सभी के संग जीवन का आनंद लिया जाता है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ देते आई ये दो पक्की सहेलियाँ दोस्ती की एक मिसाल से कम नहीं है। यहाँ सभी औरतें सर्दियों की धूप में लोक गीतों के संग मिलजुल कर काम का आनंद ले रही हैं। दूसरी तरफ तंगनिंकानम में बच्चे स्केट्स का मजा ले रहे हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ गांव में ही अनुभव करने को मिलता है। कानम गांव में मुझे प्यार और अपनापन दोनों मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्यार और अपनेपन की भावना के लिए। अगर आप कभी कानम गांव आए तो यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन, यहाँ की सुंदरता और यहाँ की कला एवं संस्कृति का अनुभव लिए बगैर ना जाएं। मेरी संस्कृति मेरी पहचान, इन्हीं शब्दों के संग मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।